बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, बी पी ई डी, बी एड, बी ए, बी कॉम और बी एस सी में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास महर्रा ललितपुर। दमोह जिला की पथरिया सीट से बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई परिहार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उनके पति देवन चौरसिया हत्याकांड में फरार हैं, 50,000 के इनामी हो गए हैं। रामबाई खुद अपील कर चुकी हैं कि गोविंद सिंह जितने भी हों लौटे आवें और समर्पण कर देवें, लेकिन अभी तक गोविंद सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उतई रामबाई पर प्रशासन सख्त हो रहा है, उनके गृह ग्राम को अतिक्रमण हटाओ गए है और लगातार जो संदेश देवे की कोशिश करी जा रही कि प्रशासन सख्ती और बरते। देखिए, न्यायालय तहसीलदार पथरिया की तरफ से थाना दमोह देहात को पत्र जारी हुआ था कि ग्राम हिनोता में भूमि खसरा नंबर 375 1.72 हेक्टेयर की भूमि के लगभग 50x50 वर्ग फुट के भाग पे जो है अवैध कब्जा किया जा रहा है और उस पर जो है निर्माण किया जा रहा है। मौके पर तत्काल कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी सागर नाका, थाना प्रभारी तेजगढ़ नोहटा, थाना प्रभारी पथरिया और मेरे हमरा होते हुए तत्काल मौके पर पहुंचे और इस भूमि को जो है वो राजस्व विभाग अमले के साथ खड़े रहकर अतिक्रमण मुक्त कराया और जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उसे JCB से गिराया गया। इस घटनाक्रम के अलावा गोविंद सिंह के ड्राइवर को भी कल पुलिस ने हिरासत में लो तो पूछताछ के लाने कुल 3 लोगों को हिरासत में लगा तो और गोविंद सिंह के बारे में पूछताछ करी गई है। उतई रामबाई परिहार अब खुल के मीडिया के सामने आई हैं और उनने अपने तरीके से देवेन चौरसिया हत्याकांड से लेकर अब तक पूरी घटना को विवरण दो है। सुनो जरा का बोली है रामबाई। देखो भैया, अब तक की स्थिति सत्यता ये है कि ना तो हमारे पति, ना हमारे देवर, ना श्री राम शर्मा इस केस में कहीं दूर दूर तक नहीं थे और इस चीज़ को लेके SIT टीम गठित भी हुई थी। जब मैंने विधानसभा में इस चीज़ का क्वेश्चन लगाया था तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। जो हमारे पास सरकारी कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में हैं उनके बयान लाए गए, मोबाइल की लोकेशन ली गई, सारी इन्वेस्टिगेशन करी गई, तब जाके हमारे हस्बैंड को नाम इस केस से निकालो गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही किसी दबाव में या किसी तरीके से निकाल, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके निकालो गए जो नाम, और फिर इस नाम को पुनः जोड़ा गया, हमारे पति का पुनः नाम जोड़ा गया और आज तक शुरू से लेके हर चीज़ में जो अत्याचार अन्याय जो लोग कर रहे हैं और करत आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार सब देख रहे हो, हम कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे यहाँ, तो सिर्फ इसका कारण भी ये है कि हम सही हैं इसलिए हम उतनी चीज़ें नहीं बोल रहे क्योंकि हमें इस पर पे भरोसा हो। आपके पति पे 50,000 रुपये के नाम की राशि है, समय बढ़ते जा रहा है, ऐसी स्थिति में आपको कोई नोटिस मिला है जवाब देने के लिए या आपको अपना पक्ष रखने के लिए आपके पति के फेवर में ऐसी कोई आपको कुछ मिला है क्या? हमें कुछ नहीं दिया गया भाई, हमारे लिए ना कोई नोटिस दिया गया, न हमारे लिए कोई जानकारी दी गई, बस हमारे बच्चों को परेशान कर रही पुलिस, गांव में जाकर बच्चों को मार रही, ये कर रही, जो परेशानी उनकी है, स्थिति है, जो उत्तो कर रही पुलिस, हमें कुछ भी नहीं दबा हुआ है, ना कोई नोटिस दबा हुआ, ना कछु दबा हुआ है, न हमारे पास कोई जानकारी है, बस पुलिस ऐसे ही खड़ी रहती है, गाँव जाती है। अभी आप लोगों के माध्यम से भोपाल से फोन आए, 13 साल के बच्चे को उठा के लेके गई, भाई एक छोटा सा बच्चा है, 13 साल का नाबालिग बच्चा है, हमें कोई जानकारी नहीं दी जाती है, कुछ भी नहीं किया जाता। आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी ये पूरी बातें रखी जो आप मीडिया के सामने रख रही हैं, शासन के सामने, DGP के सामने या किसी के सामने आपने अपना पक्ष रखा होगा? ये पक्ष तो मैंने आप लोगों के माध्यम से शुरू से रखा है जी। आज की तो ठीक है, आप सभी इस चीज़ के गवाह हैं, सभी लोगों को जानकारी है कि शुरू से लेके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने अपने पति की सच्चाई रखी, मैंने सारी चीज़ें रखी गई हैं, पर सच्चाई की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है, सच्चाई की तरफ तो देखा ही नहीं। भाई ये बताइए, पुलिस ने जब FIR दर्ज हुई उस समय दबाव दहशत में मेरे हस्बैंड का नाम लिखा गया, देवर जी का नाम लिखा गया, फिर इसके बीच में मेरे बच्चे के साथ जो घटना हुई थी सभी इस चीज़ को वाकिफ हैं, है कि नहीं? उस बीच में 2-3 महीने में अपने 3 महीने से लेकर 4 महीने तक बच्चा मेरा आज भी ठीक नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। इस बीच में फिर मैंने विधानसभा लगी, विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, कांग्रेस की सरकार थी, BJP उस समय पूरे विधायकों ने, कांग्रेस BJP के सभी विधायकों ने इस चीज़ पर
साथ दिया था कि हाँ न्याय मिलने चाहिए। मैंने सीबीआई जांच की थी और आज भी मैं सीबीआई जांच की मांग करती हूँ। अगर वास्तव में मेरे हस्बैंड, मेरे देवर या कोई भी दोषी पाया जाए तो भाई आप तो चौराहे पे फांसी आप नहीं लगाना, मैं लगा दूंगी, मैं खुद लगा दूंगी फांसी अगर इस केस में इन्वॉल्व हूँ। ऐसे कितने केसों को लेके लोग नाम दे रहे, कितने केस चल रहा है, कितने केस चल रहा है, मालूम नहीं है कि जो केस चल भी रहे के जैसे जे केस हैं ऐसे केस झूठे बेबी लगे हैं। अब आपको अगलो कदम का है, अगर आपके हस्बैंड नहीं मिल रहे हैं, कोर्ट का दबाव बढ़ रहा है, सुनवाई की सुनवाइयाँ हो रही हैं, तिथियाँ बढ़ाई जा रही हैं, आपको अगलो हम अगलो दबाव हम करें, हम का कर सकें बताओ, हम कछु कर सकें, हम जे बैठे थे, हमें कोई जानकारी हो भाई, सारे फोन टेप चल रहे, सब चीज़ें हैं, पूरे घर पे नज़र रखी जा रही, अगर हमसे कहीं बात करें भी, हमें फ़ोन लगाएं तो हम उनसे बात करें, तभी तो हमने सब पत्रकार भाइयों को बुलाओ है कि भाई उन तक जो जानकारी पहुंच जाए। हम भी चाहा था आत्मा से कि आप भी सिलेंडर कर दें, आए, न्याय तो मिले भाई, ऐसे तो है नहीं है। देखो सत्य को गुमराह करो जा सकत है, छुपाओ नहीं जा सकत, तू विलुप्त नहीं करो जा, और सत्य पे भरोसा कल तो और आज है, और हम सत्य की लड़ाई लड़ते आए जब आज ही कुर्सी पर बैठे हैं, विधायक बने हैं। अत्याचार अन्याय शुरू से लोगों ने अपने सत्ता में रखे करे हैं, लेकिन हम उसका कब हार नहीं माने, हम बाकायदा ईमानदारी से लड़े। रही बात है, जैसे बहुत से लोग बोल रहे कि केसों में सजा है ऐसी, अरे हमारे हस्बैंड खुद एक केस में जेल में है, और जो घटना भाई एक 3.5 मर्डर की थी घटना भाई थी, उस केस में हमारे पति जेल में थे जबलपुर जेल, उसके बावजूद की सजा पड़ी थी हमारे पति। भाई जो व्यक्ति घटना में है नहीं, जेल गवाह है इस चीज़ की, उसके बावजूद भी उनको सजा पड़ी है। भाई तो लंबो चिट्ठा बना है कि इतने केस चल रहा है, इतने केस चल रहा है, अब जी केस को वहाँ में चिट्ठा नहीं बने हैं, झूठे केस लगावे में कोई आज कितने केस कितने जेलों में पड़े हैं जो निर्दोष हैं, आप जाके देखो तो सच्चाई तो देखो। हमारे तो रोज पंचायतें आउती एक केस करा थे, 10 आदमों को ना लाने पे लोड़ा, लेकिन हम भाई हम सब सत्य की लड़ाई लड़ रहे, सत्य को गुमराह नहीं करो जा सका यार, 2-4 10 दिन साल भर से गुमराह करें, लेकिन सत्य को उजागर हुई है और सत्य सामने आ है, और जीत पर हमें सत्य की ही होती है। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है, जी हो जो करने जो कर तो कर सका थी सब करें, हम सब सहन कर भी करें। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।